हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है 16 तारीख और आज दिन है, दिन कौन सा है सुमिता? आज है थर्सडे और अभी बज रहा है सुबह का 7। तो हम लोग की मॉर्निंग तो फिलहाल 5 बजे हो गई है और 5:30 पे मैंने स्नान भी कर लिया था बढ़िया ठंडे ठंडे पानी में। और आज हम लोग हैं सुमित के ननिहाल में, यानी हरदोई में, मझिया में। तो फिलहाल सुबह की एक बार वाली चाय हो गई है और यहाँ पे सब लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और आज है मौसी के बेटे की इंगेजमेंट, यानी गोद भराई। हमारे गांव में इंगेजमेंट को बोलते हैं गोद भराई, रिंग सेरेमनी। तो आज रिंग सेरेमनी है। तो सुबह हम लोग को जो है ना 10:30 तक, यहाँ से 12 बजे का प्रोग्राम है वहाँ का, और हमें 10:30 तक यहाँ से रेडी होकर निकल जाना है। इस वजह से सुबह सुबह सब बहुत जल्दी उठ गए और मैं तो आज उठ गई थी, 5:15 पे उठ गई थी, पता है 5:15 पे उठ गए थे। और 5:30 पे मैंने बिल्कुल ताजे पानी से जाके नहा डाला और 5:30 पे नहा भी लिया था, चाय भी पी ली थी। और अब सुमित भी उठ के आए हैं, ये देखो ये उठ के आए हैं और इनको भी जो है ना चाय चाहिए, चाय चाय चिल्ला रहे हैं। और पीछे वो देखो, आ जाओ भाई छोटा पार्टी, भूमि और सिद्धू। ये है मेरी मामा की बेटी, मेरी छोटी ननद। ये मामा के बेटे सिद्धू, छोटा देवर। तो फिलहाल देवर है, तो फिलहाल हम लोग उठ चुके हैं और अब जो है चाय नाश्ते की तैयारी हो रही है और फटाफट जो है ना निकलना है सबको 10:30 बजे। तो फटाफट वाला जो है चाय नाश्ता करके सब रेडी होंगे। तो फिलहाल चलो चलते हैं अभी नीचे। सुबह सुबह यहाँ से सूर्य की रोशनी कितनी अच्छी लग रही है, वो देखो पेड़ के पीछे से सूर्य निकला हुआ है। अब आ गए हैं छत से नीचे और ये देखो हमारा बिल्कुल गांव का देसी तरीके से हमारी नानी तहरी बना रही हैं, चावल आलू गोभी नाश्ता बन रहा है। ये हमारी नानी, ये हमारे मामा, ये मम्मी। यहाँ पे बन रहा है वेजिटेबल पुलाव, यहाँ पे बन रहा है वेजिटेबल पुलाव। उत्कर्ष बिरयानी, ये बन रही है बढ़िया, खुशबू कितनी अच्छी आ रही ना निशु। तो बात है ना, कहीं पहले नहाए में तो कहीं लाल। आज है हमारा ये बिल्कुल सुमित, आज बिल्कुल देसी ब्लॉग लग रहा है बिल्कुल। चलो तारीख को तो सुबह सुबह जो है अभी 7:30 बज रहा है और जैसा कि बताया 10:30 बजे निकलने की तैयारी है घर से। तो 7:30 बजे देखो नाश्ते की जगह नानी जो है हमारी तहरी छोंक रही है, डायरेक्ट तहरी। तो सोचते ही तहरी खाना यही नाश्ता हो जाएगा और इसके बाद खाने पीने के काम से सबको रिलैक्स हो जाएगा, इसके बाद सब रेडी होंगे। ये आ गई हमारी, ये है मौसी। मौसी तो ये हमारी मौसी हैं और आज मौसी के छोटे बेटे की इंगेजमेंट है। ये हमारे जगत जेठ जी, चुनरी वाले जेठ जी, ये चुनरी वाले जेठ जी। और ये देखो यहाँ पे अभी सोकर उठ गया है और अभी पी रहा है दूध। भाई दूध पिलाओ अभी को जल्दी। ये है हमारी सबसे छोटी मामी, सबसे छोटी मामी को पहली बार मिलवा रहे हैं, जितनी बार आए मामी थी नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे खुला है हमारी बड़ी मामी का खजाना, लूट लो। जिसका लूटना है लूट लो। ये है सार्थक, सार्थक हेलो करो, हेलो कर, अरे दूर से करो तो दिखो, अब करो वीडियो है। हेलो, हाँ बस। और ये हमारे मामा के घर के बाहर का सीन है, ये मामा का हमारे सामने वाला घर है, इसको कारखाना बोलते हैं, इसको कारखाना बोलते हैं। तो ये है गेट के बाहर का नजारा। ये खरगोश है क्या? तो देखो भाई एंगेजमेंट की तैयारी शुरू।
आज हमारी मामी दिखेंगी, बाकी कोई नहीं दिखेगा आज। हाँ तो बस निकलना है, तो फिर सब लोग तैयारी में लग गए छोटी मोटी, हम भी इंतजार कर रहे हैं लाइट आने का। अरे मामी, अरे बेहतरीन लग रहा है। जो निकाल दे हाँ? हाँ लाल वाला निकाल दो। सो गाइस, तो फिलहाल आज शादी का दिन है और सुबह सुबह जो है सुबह 5 बजे तड़के से ही सबकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आज तो मैं सबसे फास्ट हूँ, सबसे आगे हूँ, सब भौचक्के रह रहे मेरी तैयारियां देख के कि मैं इतना स्लो काम करती हूँ और इतनी फास्ट कैसे हूँ। तो सब नीचे अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी आके अपना चूड़ा शर्ट वगैरह जो है ना अच्छे से बना लेती हूँ, पहन लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है ना खाना खाऊंगी। अभी खाना नहीं खाया, सोचा पहले चूड़ा पहन लेती हूँ उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि सब लोग नीचे कह रहे थे कि सब लोग अपनी अपनी चूड़ी और अपनी नेल पॉलिश और अपना जो जेवर है सब पहन लो, उसके बाद तैयार होते रहना। तो अब यहाँ पे आ गई है हमारी देवरानी जी शिवानी, वो चूड़ियां पहन रही थी और चूड़ियां पहनने के बाद देखिए अब आ गई हूँ मैं नीचे खाना खाने के लिए। तो नानी ने हमारी आज बढ़िया तहरी बनाई है, वेज पुलाव बोले तो औसम वाली तहरी, बहुत यूनिक बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी और पता एक एक दाना चावल का अलग था, मुझे बहुत पसंद आई मामी की बनाई हुई है तहरी। सो गाइस, तो लोग जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं एंगेजमेंट में निकलने के लिए। हम लोग निकलने वाले थे 11 बजे और देखो अभी 12 से ज्यादा का टाइम हो रहा है और सबके रेडी होते होते यही होता है। तो फिलहाल फाइनल पूरा फुल एंड फाइनल रेडी हो गए हैं, तो ये है मेरा गेटअप और चलो चलते हैं नीचे, देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसके बाद फिर से आएंगे ऊपर। सुमित उल्टा ना पड़ी है। शादी वाले घर में चल रही है तैयार मेकअप प्रिपरेशन, ऐसे होते हैं लोग तैयार। अरे गजब लग रही हो मामी, किसको आज गिराने का इरादा है? तुम्हारे ऊपर। अरे हमारे ऊपर गिरने से कोई फायदा नहीं। बहुत सुंदर लग रही हो मामी। हेलो, मामी सुमित ये लो, सुमित सो गाइस, तो हम लोग तो सब लोग रेडी हो गए हैं और यहाँ पे लास्ट जो है ये भाई दूल्हे राजा हैं, ये रेडी हो रहे हैं और इनके रेडी होते ही हम लोग जो है फटाफट निकलेंगे, यहाँ पे एंगेजमेंट होनी है, ज्यादा दूर नहीं जाना है लेकिन अब टाइम से पहुंचना है। हाँ क्योंकि लेट हो गए हैं, तो चलो आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और गोद भराई का जो व्लॉग है वो हम लोग लड़की के घर पहुंच के वहां से फिर से स्टार्ट करेंगे।
तो हमारा पूरा गोद भराई का फंक्शन कैसा रहा उसको देखने के लिए आपको हमारा गोद भराई पार्ट टू ब्लॉग देखना पड़ेगा। चलिए ये ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो जो मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे गोद भराई पार्ट टू। तो यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं और सब घर के बाहर खड़े हैं। ये देखिए दूल्हे राजा के चेहरे पे एक आज अलग ही ग्लो है। और भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि मतलब जो शादी के दिन सबकी सुंदरता एक तरफ और दूल्हे के चेहरे पे जो निखार आता है, जो ग्लो आता है वो एक तरफ, उसका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और आज ऐसे ही सेम जो है ना शशांक इतना ग्लो कर रहे थे, इतना चमक रहे थे कि क्या बताऊं। तो यहाँ पे मैं और आंचल मिलकर चिढ़ा रहे थे कि अभी कम चमक रहे हैं, अभी जब दुल्हन से इनका आमना सामना होगा, नजरें मिलेंगी तो ग्लो ज्यादा बढ़ जाएगा और चेहरा ज्यादा शाइन करेगा। तो शशांक और शर्मा रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है दुल्हन के घर के निकलने के लिए सभी लोग निकल चुके हैं, बस हमारी गाड़ी ही बची है। तो बस निशु जो है हमको जो है ना निशु लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम शिवानी आंचल और शशांक और अंकित जाएंगे। तो बस हम लोग भी यहाँ से निकलते हैं अब दुल्हन के घर के लिए और मिलती हूँ आपसे गोद भराई पार्ट टू में। बाय बाय।